हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत छोटे और प्रॉफिटेबल स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख रहे हो परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, और इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस, हाँ दोस्तों, एक दिन पहले ही आपको बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट तो बुक कर ही सकते हो, अगर लॉस है तो आप एग्जिट भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हो 9 आवर्स अगो, मतलब कि दोस्तों 9 घंटे पहले मैंने ये वीडियो बनाया था और बताया था कि दोस्तों ये स्टॉक को आपको खरीदना है। ठीक है, यहाँ देख सकते हो 9 घंटे पहले का मतलब होता है दोस्तों, अभी देख सकते हो 6 o'clock हो रहा, मतलब मार्केट ओपन होने से पहले मैंने ये वीडियो अपलोड किया था। अब जैसे कि मैं डेली वीडियो बना देता हूं और बोल देता हूं कि दोस्तों आपको कौन सा स्टॉक खरीदना है और कौन सा स्टॉक आपको नहीं खरीदना है, जो नहीं खरीदना है वो भी मैं आपको बता देता हूं, लेकिन रिजल्ट तो बताना पड़ेगा ना कि मैंने जो वीडियो बनाया था उसका रिजल्ट कैसा आया है, पॉजिटिव आया है या नेगेटिव आया, वही चीज़ मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो आपके सामने है, यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट ओपन होने से मैंने पहले अपलोड किया था 2 वीडियो दोस्तों, एक था टाटा मोटर्स के बारे में, एक था JHS स्टॉक के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले वाला वीडियो मैं आप लोगों के सामने प्ले करता हूँ। ठीक है, और मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि आपको डेट दिखा दूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों 2 फरवरी का डेट है, आज ही मैंने वीडियो अपलोड किया था। अब मैं आपके सामने वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ कि मैंने खरीदने बोला था या नहीं बोला था। मैं इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं, जब भी वो वीडियो बनाते हैं तो बोलते हैं कि मे बी मे नॉट बी, मतलब शायद आप खरीद सकते हो या ज़्यादा चांस है ये स्टॉक का ऊपर जाने का, ये जितने भी वर्ड है दोस्तों ये झंझट में डालने वाले स्टॉक है, मतलब आपको कन्फ्यूज़ करने वाले स्टॉक है कि आप खरीदो या ना खरीदो। अगर प्राइस ऊपर चले जाएगा तो वो बोलेंगे मैंने तो भाई बताया था इसका प्राइस ऊपर जा सकता है, ज्यादा चांसेस है, चला गया। अगर वही स्टॉक का प्राइस नीचे आ जाता तो वो क्या बोलते हैं पता है, कि मैंने तो बस बोला था कि उसका ज्यादा चांसेस है जाने का, नीचे भी जा सकता है। तो ये सब अच्छी बातें नहीं लगती है। ठीक है, जो कस्टमर को फंसाता है, कस्टमर को दोस्तों एक क्लियरिटी दो जो वो अपना काम करके दिखाए। उसी तरह मैं जब भी वीडियो बनाता हूं आपको बोल देता हूं भाई सीधा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होने वाला है तो होने वाला, देख लीजिए, इसलिए मैं आपको वीडियो दिखा दे रहा हूं प्रूफ के तौर पर कर सकते हो। तो वो स्टॉक ये है दोस्तों जिसका प्राइस इंक्रीज होने वाला है, JHS। ठीक है, अभी जो इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है दोस्तों 10.95, अराउंड 11 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। आपको क्या करना है दोस्तों, ऐसी कंपनी को अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो नंबर खरीदना है। ठीक है, चाहे जो भी हो क्या करना है, नंबर खरीदना है। ठीक है, तो आपने सुना दोस्तों मैंने क्या बोला, साफ साफ बोला ये जो स्टॉक है इसका प्राइस इंक्रीज होने वाला है और आपको क्या करना है, दम भर खरीदना है। क्या करना है दम भर, तो मैंने साफ साफ और स्ट्रेट फॉरवर्ड में सीधी सीधे बात में मैंने आपको बोला कि भाई खरीद लो, दम भर खरीदना है। एक बार और मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ ताकि अच्छा से आपको बिलीव हो जाए। बस चल रहा है। आपको क्या करना है दोस्तों, ऐसी कंपनी को अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो नंबर खरीदना है। ठीक है, चाहे जो भी हो क्या करना है, नंबर खरीदना है। ठीक है, तो ऐसी कंपनी दोस्तों कभी कभी मिलती है जिसमें आपको अच्छा मूवमेंट मिले और प्राइस भी कम रहे। ठीक है, तो चलिए इस कंपनी के बारे में मैं आपको कुछ बता भी देता हूँ दोस्तों, इस कंपनी किस चीज में इंगेज है। तो दोस्तों दोस्तों ये दोस्तों मैं कंपनी के बारे में भी कुछ फंडामेंटली बता रहा था, तो मैंने ये भी बोला वीडियो में कि ऐसी जो चीज़ है वो बहुत कम मिलती है, इसीलिए ऐसा चांस नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और देखिए मैंने जब वीडियो अपलोड किया था तो स्टॉक का प्राइस कितना चल रहा था, 10 रुपये के आसपास था, 10.95, मान लेते हैं 11 रुपीज़ के आसपास था। और अभी देख लीजिए आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 16% का अपर सर्किट मारा है दोस्तों, और डायरेक्ट देख लीजिए 11 रुपीज़ का स्टॉक था, यहाँ पर देख लीजिए 13 रुपीज़ हो गया था। ठीक है, 13 रुपीज़ से भी ऊपर चला गया था, और ये जो दोस्तों 16% का आपको मूवमेंट दिख रहा है यहाँ पर 19 या 20% का था। मार्केट थोड़ा डिक्रीज हुआ इसलिए ये भी डिक्रीज हो गया, क्योंकि आप देख रहे हो कि मार्केट कितना ज़्यादा गिर रहा है दोस्तों, निफ्टी 125 गिर चुका है, कोटक यहाँ पर देख सकते हो वो भी थोड़ा बहुत गिरा है दोस्तों। ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि मार्केट गिरते हुए में आपको प्रॉफिट बनाना ये बहुत बड़ी बात होती है। और मैंने क्या बोला था दोस्तों कि मैंने 2 वीडियो अपलोड किया है मार्केट ओपन होने से पहले, तो ये रहा दोस्तों जो फर्स्ट वाला वीडियो था, उसके बाद यहाँ पर सेकेंड वाला कौन सा वीडियो था, टाटा मोटर्स का, और उसके बाद 21 घंटे पहले, मतलब कि दोस्तों ये 24 आवर अगर हो जाएगा तो एक दिन पहले, मतलब ये कल रात को मैंने ये वीडियो अपलोड किया था, और ये सुबह में यहाँ पर देख सकते हैं 1 घंटा पहले मैंने जो है वीडियो अपलोड किया है। तो देख लेते हैं दोस्तों जो 9 आवर अगो पहले जो वीडियो अपलोड था उसमें। ठीक है, ये भी आपके सामने वीडियो प्ले करके प्रूफ के तौर पर दिखा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले तो मैंने टाइटल में लिखा है दोस्तों टाटा मोटर की हालत खराब, खतरों तक, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों खरीदो मत बेचो करके मैंने साफ साफ बोला। और मैं आपको डेट दिखा देना चाहता हूँ क्योंकि डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर मैं आपको डेट दिखा दूंगा तो आप जज कर सकते हो कि प्रीवियस डेट में जब वीडियो अपलोड हुआ तब क्या था उसका वैल्यू और आज के डेट में उस स्टॉक का वैल्यू क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए जो उसका स्टॉक का प्राइस था, डेट था दोस्तों वो 26 फरवरी था, 26 फरवरी डेट आपके सामने है, पब्लिश ऑन, यहाँ देख सकते हैं 26 फरवरी को आपके सामने। अब मैं वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ।
किया है टाटा मोटर में, मैं उनको बोलूंगा थोड़ा सावधान हो जाइए ऐसे स्टॉक से, क्योंकि दोस्तों जिसका टाइम ही अच्छा ना चलता हो दोस्तों उसका स्टॉक में बहुत ज्यादा गिरावट होने का संभावना है। ठीक है, देखो भगवान ने इंसान के साथ एक बहुत बड़ा जो है खेल खेला है, क्या है दोस्तों, सब कुछ दिया इंसान को, लेकिन दोस्तों टाइम वक्त जो है अपने हिसाब से चलाते हैं वो, जिसका टाइम खराब चलता है ना वो फिर कभी आगे बढ़ने में मुश्किल हो जाता है, उसको मैं इतना बोल सकता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों उसी तरह मैं आपको साफ साफ आपको बोल सकता हूँ कि जो टाटा मोटर है दोस्तों, टाटा मोटर का प्राइस डिक्रीज होने वाला है, और मेरे तो आपने सुना दोस्तों मैंने क्या बोला कि मैं साफ साफ बोल रहा हूँ दोस्तों, जो टाटा मोटर है उसका प्राइस डिक्रीज होने वाला है, क्योंकि टाटा मोटर का बहुत बुरा वक्त चल रहा है। अगर बहुत लोग ऐसे हैं जिनको टाटा मोटर में नुकसान हो रहा है, तो आओ भाई मैं आपको ऐसे स्टॉक बताऊंगा जिसमें आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। लॉस जो हुआ रिकवर तो आसानी से हो जाएगा, आपको प्रॉफिट भी हो जाएगा। ठीक है, लॉस रिकवर, जब मैं 10 रुपये के स्टॉक में आपको अच्छा से अच्छा प्रॉफिट करवा सकता हूँ और 1000 रुपये के स्टॉक में आपको पैसा डबल करके दिखा सकता हूँ। मैं बोल नहीं रहा हूँ दोस्तों, बोलने वाले तो बोल देते हैं, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं, आपके सामने सारा चीज है। ठीक है, ख्याल से आपको ऐसे स्टॉक में पोजीशन बनाना ही नहीं चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको खरीदना है नहीं खरीदना, मेरे ख्याल से आपको ऐसे स्टॉक में पोजीशन नहीं बनाना चाहिए जिसमें आपको रिस्क ज्यादा है और रिवॉर्ड कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप बिल्कुल सेल करके निकल सकते हो, अगर इसका प्राइस क्योंकि डिक्रीज होने वाला है तो आप सेल करके भी प्रॉफिट कमा सकते हो, जैसे आपको करना है कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो तो मैंने ये भी बोला दोस्तों जिनको सेल करके प्रॉफिट कमाना है वो भी प्रॉफिट कर सकते हो। कैसे? सेल करके। ठीक है दोस्तों, उसका मार्केट प्राइस क्या चल रहा था दोस्तों, 149.90, मतलब कि दोस्तों 150 के रेंज में टाटा मोटर चल रहा था, तब मैंने वीडियो बनाया था। और अभी यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों 3.57, मतलब कि दोस्तों 3 या 4% के आपको जो है इसमें गिरावट देखी जा रही है। अगर एक दिन के अंदर आपको 1% भी मिलता है, तो आप समझ सकते हो अपने पैसे को 3 गुना कर सकते हो एक साल के अंदर। 300% आपको मिल जाएगा दोस्तों, 300, आप समझ सकते हो एक साल में आपको, आप अपने पैसे को 3 गुना कर सकते हो अगर एक दिन में 1% मिलता है। तो यहाँ पर तो आपको दोस्तों 3% मिला है, 3 या 4% के आसपास। तो देखिए, मैंने बोला था टाटा मोटर का प्राइस डिक्रीज होगा, तो टाटा मोटर का प्राइस भी डिक्रीज हो चुका, और उसके बाद बोला था दोस्तों स्टॉक में आपको प्रॉफिट होगा, तो स्टॉक में भी आपको प्रॉफिट हो गया। तो आपके सामने जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको दिख रहा है दोस्तों, क्या सही है और क्या गलत है। और अगर दोस्तों आप हमारे सारे वीडियोस के साथ पेपर ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। यहां आपको अपने YouTube एप्लीकेशन में जाना है, और ये जो सर्च बार है यहां पर आपको सर्च मारना है परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट। ठीक है, देखिए मैं डेली सर्च मारता हूँ इसलिए ऑलरेडी आ चुका है। तो जैसे ही आप परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट सर्च मारेगा, आपके सामने परफेक्ट व्यू का लोगो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो वीडियोज़ आएगा दोस्तों, वीडियोज़ के पास में आप जैसे ही जाओगे आपके सामने सारे वीडियोज़ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए, 1 घंटे पहले मैंने कौन सा वीडियो अपलोड किया वो भी आ गया है, यहाँ तक कि दोस्तों मैंने 1 दिन पहले कौन सा वीडियो अपलोड किया वो भी आ गया। सारे वीडियोज़ आपके सामने आ जाएंगे, आप हमारे सारे वीडियोज़ को पेपर ट्रेड करके देख सकते हो कि कितना प्रॉफिट और कितना लॉस दिया जा रहा है। उसके बाद अगर आप चाहते हो तो आप हमारे पेड सर्विसेज को ज्वाइन भी कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों देखिए मार्केट तो बहुत ज़्यादा गिरा है। ठीक है, मार्केट भी आप देख सकते हो दोस्तों 2 दिनों से गिर रहा, लगातार 2 दिनों से गिर रहा, लेकिन दोस्तों हमारे पोर्टफोलियो में अभी भी रेड सिग्नल नहीं दिख रहा दोस्तों। जितना प्रॉफिट था 1% का, 1% का तो बात छोड़ दीजिए, बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों 1% का, समझ रहे हो ना, 1 लाख पे मतलब 1000 का नुकसान, समझ रहे हो ना। 1% का बात छोड़िए दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ आपको 50 रुपीज़ का भी नुकसान नहीं है, 50 रुपीज़ का भी आपको नेगेटिव में नहीं दिखेगा। मान लीजिए कि मेरा 10,000 प्रॉफिट था, मान सकते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल में 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट था, उसमें से दोस्तों 100 रुपीज़ भी माइनस में नहीं गया, मतलब कि 900 इतना भी नहीं गिरा, 100 रुपीज़ भी उस स्टॉक नहीं गिरा, अभी वो दोस्तों 950 के आसपास है, गिरा थोड़ा बहुत, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उतना तो दोस्तों मार्केट गिरते रहता है। क्योंकि आप हमारे ये भी देख सकते हो दोस्तों, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ हमारा वॉच लिस्ट, जब इतना हरा भरा है, ये जो आपको दिख रहा है लाल रंग का, ये लाल रंग का नहीं है दोस्तों, ये हमारे लिए हरा भरा ही है, मतलब प्रॉफिट में ही है। आप बोलोगे कैसे प्रॉफिट में, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको दिखाया वीडियो अपलोड करके कि जो टाटा मोटर का प्राइस डिक्रीज होने वाला है, तो आप सेल करके पैसे कमा सकते थे, क्योंकि आपको पता है कि कैसे कमाना, तो ये भी हमें पॉजिटिव मिला ना। और उसके बाद ये भी देख सकते हो, ये भी देख सकते हो दोस्तों, सब में हरियाली आपको दिख रही है, देखिए 16%, 13%, इसमें भी आपको देखो तो कुछ भी ना कुछ दोस्तों, ये नेगेटिव में नहीं है, प्रॉफिट में ही है। तो अगर आप चाहते हो कि दोस्तों इससे भी अच्छा प्रॉफिट निकाल के चाहते हो, अपना इससे भी अच्छा अगर प्रॉफिट निकालना चाहते हो अपने पास में, तो आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो, पेड सर्विसेज को आप ज्वाइन कर सकते हो।
जो लोग भी हमारे पेड सर्विसेज को लेना चाहते हैं, मैं उनको एक चीज़ नोटिस करवा देना चाहता हूँ, जितना भी डेमो ट्रायल सैंपल चाहिए दोस्तों वो यूट्यूब में अवेलेबल है। मैंने आपको दिखाया कि आप हमारी यूट्यूब वीडियो तक कैसे पहुँच सकते हैं, उसके बाद पेपर ट्रेड करना आपका काम है। मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ लेकिन आपके रास्ते पर नहीं चल सकता उसी तरह, ठीक है। आपको ट्रायल डेमो सैंपल जो भी चाहिए वहाँ पर हर एक चीज़ है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। उसके बाद अगर आप हमारा सर्विस ज्वाइन करना चाहते हो तो ये जो नंबर है दोस्तों ऊपर वाला, ये व्हाट्सअप का नंबर है, ठीक है। इस नंबर पर आप SMS कर सकते हो। हालांकि दोस्तों कभी रिप्लाई देने में 1-2 दिन टाइम लग जाता है, उसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये जो नंबर, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आने वाला वीडियो तो आपसे मिस नहीं होना चाहिए, नहीं तो कुछ और आप मिस कर दोगे प्रॉफिट के तौर पर।